आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट कशिश गुप्ता जी के साथ कि सर, अगर ऑफिसर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो बैक डेट से कैंसिल कर दे रहा है सेक्शन 29(2) के हिसाब से, ठीक है, उस वाले केस में हमें क्या करना है? क्योंकि मैं सिंपल हूँ, मेरा GST बिजनेस कर करके मन थक गया। अब मैं कह रहा हूँ भाई, अब मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है। मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, कर भी सकता है इंसान, कोई ऐसा थोड़ी है शादी की तरह की पूरी ज़िंदगी के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई साहब मैंने करा लिया कैंसिल, अब हो गया क्या, कैंसिल हो गया, मैं आराम से बैठा। तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आ रहा है रामलाल का, अरे सर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। मैंने कहा हो गया तो तुझे क्या दिक्कत है? कह रहा मेरा एक पे नोटिस आ रहा है। मैं तुझे क्यों नोटिस आ रहा है? फिर आ गया श्यामलाल का नोटिस, क्योंकि इन लोगों को मैंने माल सेल करा था। भाई माल सेल करा था, टैक्स लिया था, गवर्नमेंट को दे दिया। अब भाई मन भर गया, GST से कैंसिल करा लिया। तो ये क्या पंगा है 29(2) का, बैक डेट कैंसिलेशन का? इसमें कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ऑफिसर ने बैक डेट से कैंसिल कर दिया, जब रिसिपिएंट ने हल्ला बोला कि भाई साहब मेरा बैक डेट से कैंसिल क्यों हुआ, हम डिपार्टमेंट चले गए। डिपार्टमेंट में जाके हमने कहा साहब हमने आपने बैक डेट से कैंसिल क्यों कर दिया? उन्होंने कहा भैया कर दिया तो कर दिया। मैंने कहा करंट डेट से करो ना आप। कह रहे अगर करंट डेट से करेंगे तो फिर आप समझ जाओ। तो उस तरह की सिचुएशंस में हमारे को क्या करना है, लॉ क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। सबसे पहले शुक्रिया मुझे वापस इस चैनल पे बुलाने के लिए, और इस मैटर्स पे मैंने भी 2-3 पेटिशंस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की हुई है। तो ये मैटर वाकई काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि सप्लायर के एंड से ध्यान दिया नहीं जाता, क्योंकि किसने सोचा ही नहीं था कि ये कार्यक्रम भी चल रहा है डिपार्टमेंट में। बिल्कुल होता है क्या कि जैसे मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, बंद करने की वजह ये नहीं है कि मेरे GST से मन भर गया मुझे और नहीं करना। ये भी हो सकता है कि कपिल जैन आज दिल्ली में बैठते हैं, अब आप उत्तर प्रदेश में बैठोगे तो दिल्ली का नंबर बंद ही करोगे आप, और क्या करूंगा। तो ऐसे काफी केसेस है कि एसएससी ने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेट चेंज कर लिया और जो स्टेट है उसमें नंबर कैंसिल करना है उसे। बिल्कुल करना है। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने फॉर्म REG 16 में फाइल कर दिया। उसमें सब लिख दिया, मेरा करंट एड्रेस ये है लक्ष्मी नगर दिल्ली, मेरा फ्यूचर एड्रेस होगा क्या है जी, लोनी गाजियाबाद, ठीक है, और मेरा ईमेल ये है, मोबाइल नंबर ये है, इस डेट से मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, हाँ। ये मेरे कैंसिलेशन की डेट है, आप प्लीज मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दे दें। तो जी ऑफिसर ने क्या किया, कपिल जैन जी को भेजा रिजेक्शन ऑर्डर कि जी हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते, आप तो दिल्ली को टैक्स खूब दे रहे हैं, हाँ। देते रहिए। लेकिन फिर कपिल जैन जी को ऑफिसर ने फिर नोटिस भेजा कि अब तुमने क्यों कैंसिलेशन मांगा, हम कैंसिल करेंगे तुम्हारा नोटिस ऑर्डर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो अब बताओ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए, बैक डेट से। नहीं, अभी सिर्फ पूछे क्यों ना किया जाए, ठीक है। कपिल जैन जी ने कहा भी मैं कौन सा फारसी बोल रहा था, मैं भी तो कैंसिलेशन मांग रहा था, तो दे दो, बहुत खुशी की बात है। तो कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया और कपिल जैन जी ने कहा ठीक है जी, ये कोई ईगो का क्लैश था शायद भी ऑफिसर को लगा कि एसएससी ने कैसे मांग लिया कैंसिलेशन, तो हम करेंगे, ठीक है, चलो चल दिए। तो फिर 2 साल के बाद मैंने कपिल जी को फोन किया, मैं कहा भाई कपिल तूने क्या घपला करके भागा यहाँ से, तूने मेरे को इनवॉइस दिए थे और मेरे पास नोटिस आ गया कि कपिल जैन जी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ 1 जुलाई 2017 से। कपिल ने कहा नहीं भाई, मैं तो प्रॉपर कैंसिलेशन करवा के गया था, ये रे ऑर्डर। फिर मैं कहते हैं कपिल ऑर्डर में लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, आपने तब देखी नहीं थी ये बात। कपिल ने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं देखी, मुझे कैंसिलेशन से मतलब था, कैंसिलेशन हो गया, अब और क्या चाहिए। तो ऐसा वाकई में हो रहा है, क्योंकि एसएससी जो है ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एक आम बात है, मतलब बहुत ही आम बात है। यहाँ सरकार बेचारी परेशान है कि मैं हमने बांट दी रजिस्ट्रेशन, खूब ज़्यादा बोगस हो रहा है। तो जब कोई कैंसिलेशन के लिए आता है तो त्यौहार ही है कि चलो कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे केस में बड़ी आम बात है, लेकिन हर कोई डेट को नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाले या किसी को ऑफिसर की तरफ से नोटिस आए, तो सबसे पहले देखे कि उस नोटिस में प्रपोज्ड डेट ऑफ कैंसिलेशन है। कई केसेस हाई कोर्ट में आर्ग्यू इसी बात पे हो रहे हैं कि
शोकोज नोटिस में तो ये बात बोली नहीं गई थी, तो ऑर्डर में क्यों बोल दी? भाई शोकोज नोटिस क्या होता है भाई, आप बताओ आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन वजह से कैंसिल क्यों ना किया जाए, जब उसमें ही नहीं लिखी डेट कि 1 जुलाई 2017 से, तो ऑर्डर में क्यों आ गई बात? अगर शोकोज में है तो उसका जवाब दो कि पुरानी डेट से कैंसिल क्यों ना हो, और अगर शोकोज में ये बात नहीं थी और ऑर्डर में सरप्राइजली आपको ये मिल गया कि योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो इसमें रेवोकेशन नहीं डलेगा क्योंकि आपको कैंसिलेशन चाहिए, कैंसिल हो भी गया, इसमें अपील डलेगी, ठीक है, सिर्फ डेट करेक्ट कराने के लिए, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ डेट करेक्ट कराने के लिए अपील डलेगी इसमें, फिर आप अपनी डेट करेक्ट कराएं। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो बैक डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैक डेट से कैंसिल हो गया तो जो आपके रिसिपिएंट है उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है, हालांकि एज पर लो तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये मानते हुए कि भाई तुम्हारा बैक डेट से कैंसिल हो गया तो इसका मतलब तुम इस पीरियड में अनरजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड होकर तुमने बिल कैसे दे दिए, तो हम सामने वाले को ITC नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें या हो, तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर चेक कर ले कि उसमें डेट क्या है, ठीक है ना, अगर उसमें डेट बैक डेटेड है तो आप इसके लिए एक रिक्वेस्ट डालें, ठीक है, अगर पहले ही आपको नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई दे, और अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो उसकी अपील ज़रूर डालें, ठीक है। अच्छा सर, इस वाले केस में आज की डेट में क्या पोजीशन है रिसिपिएंट के लिए, क्या है रिसिपिएंट के लिए? सबसे ख़तरनाक इंस्ट्रक्शन आया है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022 जी, जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स पे लगता है। तो उस इंस्ट्रक्शंस में ऑफिसर को वेरिफिकेशन की पावर नहीं, सीधी ऑर्डर दिए गए उस इंस्ट्रक्शन में कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ऑफिसर को बोला गया कि आप एसएससी का GSTR 2A देखो, उसमें अगर कोई डेट ऑफ इनवॉइस इज आफ्टर द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल इनका इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है 1 जुलाई 2017 और इनवॉइस का डेट है 1 अप्रैल 2019, ऐसा केस है तो इनका ASMT 10 में सीधा आप बोलो कि वाई और ITC शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनएलिजिबल। नहीं, रिसिपिएंट की तो गलती क्या है, रिसिपिएंट की गलती रिसिपिएंट की नहीं है इसमें, लेकिन हाई कोर्ट ने भी बोला है ना कि अगर किसी का बैक डेट कैंसिल हो गया तो भाई रिसिपिएंट को क्यों परेशान कर रहे हो, हाई कोर्ट कह रही है ये बात है। हाँ। बट ऐसी प्रॉब्लम आपने जो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन ऑफिसर्स, मैंने खुद 3-4 केसेस ग्राउंड लेवल पे रिप्रेजेंट किए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं दे आर लिटरली सेइंग हमें पता है आपके साथ ये गलती हो रही है, लेकिन हम करें क्या, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, स्क्रूटनी का मॉड्यूल है, हमें फॉलो करना है, आप अपना जवाब हायर लेवल पे दे देना। तो भाई ये चीज आप समझ लो, तो जो हमने हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल की हैं उसमें हमने इस इंस्ट्रक्शन को भी चैलेंज किया है, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि वो प्राइम मुद्दा उसमें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का है, तो इंस्ट्रक्शन का चैलेंज या उस पर स्टे इतना एक्टिवली टेकअप नहीं हुआ, लेकिन वो प्लीडिंग्स का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हुआ इशू कि ऑनरेबल जजेस कंसिडर इट अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू टेक अप दिस इशू ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ रेसिपिएंट इवन दो दे आर नॉट द पार्टी टू द रिट, ओके, तो कुछ हमें सुनने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर किसी रेसिपिएंट को ऐसा नोटिस आया तो वो इंडिपेंडेंटली उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि मेरी गलती क्या है, ठीक है, आप मेरे डाटा देखें, ये मेरा GRN है कि गुड्स रिसीट नोट है कि मेरे फैक्ट्री में गुड्स आए थे, ये टैक्स इनवॉइस है, ये पेमेंट रिसीट्स है, ये उसको मैंने पेमेंट इशू की थी और उस टाइम पे वो उसका KYC मैंने किया था, ही वाज एक्टिव एंड एक्टिवली फाइलिंग द रिटर्न्स। नाउ अगर उसका रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिवली आ रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि मैं पूछ के बताऊं कि क्यों हो रहा है, तो इट इज मेकिंग लाइक कि आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर नो रीजंस। तो एवरीथिंग इज नीड नॉट टू बी डन बाय मी। तो कुछ लॉ में ये एक मीनस है जो एक बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन का चल रहा है आज की डेट में, विच नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्टली टेकन केयर ऑफ। जो भी इंसान रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको डेट पे खास ध्यान देना ही देना है। तो भाई ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई आपको पूरा डीपली उस चीज़ को चेक करना है, इसे हल्के में नहीं लेना। इंडिया में सर कई लोग क्या करते हैं, वो रिटर्न फाइल करना बंद करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कह रहे भैया हमने तो GST VST बंद कर दिया। तो भैया तुमने GST VST बंद नहीं करा, तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी चीज़ों पे करते हो तो पहले अपनी बैक डेट की कैंसिलेशन देख लेना, पता चले तुम्हारा रिसिपिएंट आगे तुम्हारा सिर फोड़े। और अगर इस तरह की पूरी डीप नॉलेज लेना चाहते हो सेक्शन 29(2) वगैरह की, तो ये हमारा जो कोर्स है ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, कब से, सैटरडे और संडे को होगा, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 65 घंटे का कोर्स है।
तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच होगा ये, ठीक है। आप इसे जूम ऐप से ले सकते हैं, दिल्ली NCR वाले हमारे ऑफिस में आके ले सकते हैं। इसके लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर इसमें और कुछ कहना चाहेंगे वीडियो में? जी बस, तो आप इस चीज़ को समझ गए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। क्या आपके पास भी ये इशू आ रहा है तो ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।